अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 यूनिट 4 कलेक्टिंग थिंग्स। आज हम इसकी रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। आप अपनी बुक्स जल्दी से ओपन कर लें और साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। आर्कियोलॉजी आसार कदीमा का इलम, बॉटेनिस्ट माहिर निबतात, कैबिनेट किचन कमरों या अलमारियों वगैरह के अंदर जो शेल्फ या बॉक्सेस बने होते हैं उन्हें कहते हैं कैबिनेट। प्रिजर्विंग महफूज करना। हैव यू एवर थॉट अबाउट मेकिंग अ कलेक्शन ऑफ समथिंग। क्या आपने कभी किसी चीज़ को जमा करने के बारे में सोचा है। कलेक्टिंग हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजेंट पास टाइम फॉर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। चीजें जमा करना हमेशा से दुनिया भर में लाखों बच्चों के लिए वक्त गुजारी का एक प्लेजेंट यानी खुशगवार मशगला रहा है। द वर्ल्ड इज सो फुल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। दुनिया दिलचस्प चीजों से इतनी भरी हुई है डेट क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स टू कि अक्सर बच्चे और बड़े भी बिकम इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग जमा करने में दिलचस्पी लेने लगते हैं। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल कलेक्ट। लोग किस तरह की चीज़ें जमा करते हैं। द आंसर टू दिस इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसका जवाब यह है कि कोई भी चीज़ और हर चीज़। देर इज़ नो रूल That says a particular kind of object must not be collected. कोई ऐसा रूल यानी असूल नहीं जो ये कहे कि कोई खास तरह की चीज़ जमा नहीं की जानी चाहिए। स्टैम्प्स, डाक की टिकटें, वैसे स्टैम्प्स का मतलब मोहरें भी हो सकता है लेकिन मोस्टली लोग डाक की टिकट्स ही जमा करते हैं, तो यहाँ स्टैम्प्स से मुराद डाक की टिकट्स ही लिया जाएगा। डाक की टिकटें, शेल्स, सीपियाँ या घोंगे वगैरह, बटरफ्लाइज, तितलियाँ, हैट्स, फेदर्स पर, लीव्स, पत्ते, स्टोन्स, पत्थर, मैच बॉक्स कवर्स, माचिस की डबियाँ, एंटीक्स, नवादरात, प्लेट्स, तश्तरियाँ, कॉस्ट्यूम्स, लिबास, कार्स, गाड़ियाँ एंड अ थाउजेंड एंड वन अदर थिंग्स। और 1001 मजीद चीज़ें आर कलेक्टेड बाय पीपल इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हर गोशे में लोग जमा करते हैं। सम पीपल बिगिन अ कलेक्शन एज अ हॉबी। बास लोग कलेक्शन का आगाज हॉबी के तौर पर यानी मशगले के तौर पर करते हैं। इट इज एन इंजॉयबल वे टू स्पेंड अ रेनी आफ्टरनून और सम फ्री टाइम। किसी बारिश वाली सपहर या फारग वक्त को गुजारने का ये एक पुरलुत्फ तरीका है। क्वाइट ऑफन व्हाट स्टार्ट्स ऑफ एज अ हॉबी और पास टाइम डेवलप्स इनटू अ मोर सीरियस स्टडी और इवन अ प्रोफेशन। अक्सर जो चीज़ एक मशगले या वक्त गुजारी की हैसियत से शुरू होती है एक ज्यादा संजीदा मुताले या एक पेशे की भी हैसियत इख्तियार कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड हु इज इंटरेस्टेड इन स्टैम्प्स मे इन एडल्ट लाइफ वॉन्ट टू वर्क विद स्टैम्प्स। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो डाक की टिकटों में दिलचस्पी रखता हो बड़ा होकर हो सकता है टिकटों के साथ काम करना चाहे। वन हु कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स मे लेटर ऑन बिकम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। जो पुराने सिक्के जमा करता है वो हो सकता है बाद में तारीख और आसारे कदीमा के इलम में दिलचस्पी ले। अ कलेक्टर ऑफ फ्लावर्स मे बिकम अ बॉटेनिस्ट। फूलों को जमा करने वाला निबतात का माहिर बन सकता है। हाउ डज अ पर्सन स्टार्ट अ कलेक्शन। कोई शख्स कलेक्शन का आगाज कैसे करता है। दिस इज नॉट एज इजी अ क्वेश्चन एज इट सीम्स। ये सवाल इतना आसान नहीं जितना मालूम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डिसाइड
what you are going to collect. सबसे पहले आपको ये फैसला करना होता है कि आप क्या जमा करेंगे. You will of course be influenced by a number of things. यकीनन बहुत सी चीजें आपको मुतासर करेंगी. In the end, you will want to collect something. आखिर में आपको आप कोई ऐसी चीज जमा करना चाहेंगे that you are interested in, जिसमें आपको दिलचस्पी हो. Your decision will depend on, आपके फैसले का इन्हिसार इस पर होगा whether the things you wish to collect are available near you. जो चीजें आप जमा करना चाहते हैं वो आपके नजदीक ही दस्तयाब हैं या नहीं. For example, it is no use collecting seashells. मिसाल के तौर पर seashells यानी गोंगे जमा करना बेकार है. If you live miles away from the sea, अगर आप समंदर से बहुत दूर रहते हैं. Seldom visit the seaside, समंदर पर बहुत कम जाते हैं या कभी कभार जाते हैं. And no one living near the sea who might send you seashells, और समंदर के नजदीक रहने वाले किसी ऐसे शख्स को ना जानते हो जो आपको गोंगे यानी सीपियां वगैरह भेज सके. It is no use collecting flowers if you seldom visit a garden or the countryside. फूल जमा करना बेकार है अगर आप बाग में या किसी देही इलाके में बहुत कम जाते हो. One of the reasons why stamp collecting was so popular is टिकटें जमा करने के इतने पॉपुलर यानी मकबूल होने की एक वजह ये है बिकॉज स्टैम्प्स वर इजिली ऑब्टेन्ड. क्योंकि टिकटों को हासिल करना आसान था. मोस्ट पीपल हैड फ्रेंड्स इन डिस्टेंट प्लेसेस हु रोट लेटर्स टू देम. ज्यादातर लोगों के दूर दराज जगहों पर दोस्त थे जो उन्हें खत लिखते थे. क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन बिकेम इंटरेस्टेड इन राइटिंग टू अ पेन फ्रेंड. अक्सर बच्चे किसी पेन फ्रेंड कहते हैं कलमी दोस्त को. तो अक्सर बच्चे किसी कलमी दोस्त को खत लिखने में दिलचस्पी लेने लगते. अ पर्सन हुम दे हैड नेवर मेट, एक ऐसा शख्स जिससे उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई. एंड हु लिव्ड इन अ फॉरेन कंट्री, और जो किसी गैर मुल्क में रहता था. व्हेन एन एनवेलप विद अ कलरफुल स्टैम्प, जब किसी रंगीन सी टिकट वाला लिफाफा अराइव्स इन द पोस्ट, डाक में पहुंचता है. यू माइट से, तो मुमकिन है आप कहें व्हाट अ लवली स्टैम्प, इट्स अ पिटी टू थ्रो इट अवे, कितनी प्यारी टिकट है इसे फेंकना अफसोस की बात है या इसे फेंकना एक बुरी बात है. डेट स्टैम्प then becomes the first in your collection. तब ये टिकट आपकी कलेक्शन की पहली टिकट बन जाती है. It is the start of a new and interesting hobby. ये एक नए और दिलचस्प मशगले का आगाज है. There are many ways of keeping a collection. कलेक्शन रखने के कई तरीके हैं, यानी आप जो अपनी जमा शुदा चीजें हैं उनको रखने के बहुत सारे तरीके हैं कि वो कैसे कैसे आप उनको महफूज कर सकते हैं. स्टैम्प्स मे बी पुट इनटू एन एल्बम, टिकटें एल्बम में लगाई जा सकती हैं. स्टोन्स और बॉटल्स विल हैव टू बी कैप्ट इन कैबिनेट्स और इन बॉक्सेस, पत्थर या बोतलों को अलमारियों या डिब्बों में रखना पड़ेगा. एंड फ्लावर्स कैन बी प्रेस्ड एंड पेस्टेड इनटू अ स्क्रैप बुक, और फूलों को प्रेस करके यानी दुबा कर रखा जा सकता है. एंड पेस्टेड इंटू स्क्रैप बुक, यानी उन्हें चिस्पा करके तराशों की जो किताब है स्क्रैप बुक उसमें आप रख सकते हैं.
Here are some tips to start a collection of flowers. फूलों की जो collection है उसको शुरू करने के यहाँ पर चंद tips बताए गए हैं तरीके. Number one, never pick more flowers than you need for study. जितने फूलों की आपको study यानि मुताले के लिए ज़रूरत हो उससे ज़्यादा कभी मत तोड़िए. Some of the things you will need, चंद चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत होगी, a notebook, a pencil, an album or scrapbook, two pieces of hard board, approximately 25 centimeter and 20 centimeter, yani hard board ke do tukde aapko chahiye jo takriban 25 centimeter chaude aur 20 centimeter lambe ho. Clean newspaper, saaf akhbar, a magnifying glass, useful but not essential. मैग्नीफाइंग ग्लास होता है मुहद्दब अज्सा, तो एक मुहद्दब अज्सा भी चाहिए लेकिन वो इतना ज़रूरी भी नहीं. प्रैक्टिस ड्राइंग सो डैट यू कैन कॉपी अ लीफ और अ फ्लावर विद एक्यूरेसी एंड स्पीड. ड्राइंग करने की प्रैक्टिस कीजिए, मश्क कीजिए ताकि आप किसी पत्ते या फूल की जो नकल है, कॉपी है, दुरुस्तगी एक्यूरेसी यानी सही तरीके से दुरुस्तगी के साथ और रफ्तार के साथ उतार सकें. प्रिजर्विंग फ्लावर्स एंड लीव्स इज क्वाइट ईजी. फूलों और पत्तों को महफूज करना बिल्कुल आसान है. व्हेन यू हैव पिक्ड द सैम्पल यू वांट, जब आप वो नमूना हासिल कर लें जिसकी आपको ख्वाहिश है, प्लेस इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर, तो उसे अखबार की एक शीट पर रख दें. प्लेस द न्यूज़पेपर ऑन अ शीट ऑफ हार्ड बोर्ड, अखबार को हार्ड बोर्ड की शीट पर रख दें. ऑन टॉप ऑफ द फ्लावर पुट अनदर पीस ऑफ न्यूज़पेपर एंड अनदर पीस ऑफ हार्ड बोर्ड. फूल के ऊपर अखबार का एक और टुकड़ा और हार्ड बोर्ड का एक और टुकड़ा रख दीजिए. पुट अ फ्यू हैवी बुक्स ऑन टॉप एंड लीव इट फॉर अ फ्यू डेज. ऊपर चंद वजनी किताबें रख दें और उसे चंद दिन के लिए छोड़ दीजिए. इफ द फ्लावर और द लीव्स आर जूसी यू मे नीड टू चेंज द न्यूज़पेपर. अगर फूल या पत्ते जूसी हों यानी उनमें से रस निकलता हो, रस भरे हों, तो आपको अखबार तब्दील करने की ज़रूरत पेश आ सकती है. द फ्लावर विल बी रेडी टू पुट इन टू योर एल्बम इन अबाउट 2 weeks. 2 हफ्तों में फूल आपकी एल्बम में लगाए जाने के लिए तैयार हो जाएगा. वेन द फ्लावर हैज बीन टेकन आउट ऑफ द प्रेस, जब फूल को प्रेस से निकाल लिया जाए, प्लेस इट ऑन सम क्लीन पेपर, तो उसे किसी साफ कागज पर रख दीजिए. फिक्स इट विद टाइनी ड्रॉप्स ऑफ ग्लू और विद स्ट्रिप्स ऑफ गम्ड पेपर. गोंद की छोटी छोटी बूंदों या गोंददार कागज की स्ट्रिप्स यानी पट्टियों की मदद से उसे चिपकाइए. पेस्ट द होल पेपर इन योर एल्बम, पूरे सफ़े को अपनी एल्बम में लगा लीजिए. इन एडिशन टू पुटिंग सैम्पल्स ऑफ फ्लावर्स इन योर रिकॉर्ड बुक, फूलों के सैम्पल्स यानी पैटर्न्स नमूनों को अपनी रिकॉर्ड बुक में लगाने के अलावा यू विल हैव टू मेक नोट्स अबाउट द फ्लावर्स. आपको फूलों के मुतालिक नोट्स भी लिखने पड़ेंगे. यू कैन रिकॉर्ड द नेम, आप नाम लिख सकते हैं. व्हेन एंड वेयर इट वॉज फाउंड, ये कहाँ और कब मिला. इट्स साइज, उसकी जसामत. द कलर एंड शेप, उसका रंग और साफ. एंड एनी अदर डिटेल यू विश, और कोई भी और तफसील जो आप चाहें. इफ यू आर गुड एट ड्राइंग, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, यू कैन मेक ड्राइंग्स ऑफ द फ्लावर्स एंड द प्लांट्स that they come from. तो आप फूलों की और उनके पौधों की तस्वीरें बना सकते हैं जिनसे ये हासिल हुए हैं.
Here is a page from a flower record book. ये आपके फूलों की रिकॉर्ड के लिए एक पेज है. यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर पैटर्न बना के दिखाया गया है कि आप भी इस तरह बना सकते हैं. तो आपके इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व किए जाएंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.